गुरुवार को एल्डर्स कमेटी जिला अधिवक्ता संघ झांसी ने झांसी क्लब में पत्रकार वार्ता की। उक्त पत्रकार वार्ता में एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन प्रकाश नारायण द्विवेदी ने बताया कि राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश बीवी के आदेश दिनांक 31/7/2022 के अनुसार जिला अधिवक्ता संघ झांसी का कार्यकाल कार्यकारिणी के कार्यभार ग्रहण करने के अर्थात दिनांक 10/10/2021 से गणना किया जाएगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया था कि यह भी आवश्यक है कि किसी भी बार एसोसिएशन का चुनाव एक बार एक वोट व COP धारक को ही चुनाव में मतदान का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा मतदाता सूची के निर्धया में यह भी आवश्यक किया गया था कि उन्हीं सदस्यों को मत का अधिकार होगा जिनको बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा वेरिफिकेशन के उपरांत सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र प्राप्त हो। किंतु कालातीत जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने उक्त आदेश को दरकिनार करते हुए निश्चित समयावधि में एल्डर्स कमेटी को जांच नहीं दिया और ना ही संविधान के अनुसार एल्डर्स कमेटी से कोई अनुमोदन प्राप्त किया था। इस कारण जिला अधिवक्ता संघ झांसी का चुनाव समयावधि से करीब 7 माह विलंब से हो रहा है। इस कारण जिला अधिवक्ता संघ झांसी ने समस्त प्रत्याशियों से उनके कार्यकाल ग्रहण करने के उपरांत 1 वर्ष में चार्ज सौंप देने एवं विशेष परिस्थितियों में संविधान के अनुसार एल्डर्स कमेटी में से 1 माह का अनुमोद प्राप्त करके चार्ज सौंपे जाने का शपथ पत्र लिया। जिला अधिवक्ता संघ झांसी द्वारा एल्डर्स कमेटी झांसी को दी गई मतदाता सूची बनाते समय एवं बनाए जाने के उपरांत उक्त आदेशानुसार मतदाता नहीं बनाए गए थे एवं 1707 मतदाता की सूची एल्डर्स कमेटी को सौंपी गई थी, किंतु उक्त मतदाता सूची का परीक्षण एल्डर्स कमेटी द्वारा करने पर जिला अधिवक्ता संघ झांसी द्वारा दी गई मतदाता सूची में अनेक मतदाता ऐसे बनाए गए जिनको COP नंबर मतदाता सूची में अंकित थे, किंतु वो बार काउंसलिंग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर देखने पर वह COP नंबर किसी अन्य जिले का था तथा अनेक मतदाताओं के COP नंबर ही नहीं थे और उनमें नाम मतदाता सूची में थे तथा ऐसे अधिवक्ता जिनके नाम COP नंबर में थे लेकिन उनके नाम जो हैं वो मतदाता सूची में नहीं थे। फिलहाल आपको बता दें कि मतगणना दिनांक 31/5/2023 को प्रातः 9 बजे पुस्तकालय हॉल में प्रारंभ होगी। निर्वाचन को स्वस्थ स्वच्छ पारदर्शी एवं निष्पक्षतापूर्ण कराए जाने के लिए समस्त अधिवक्ता परिवार से सहयोग की अपील की गई। पत्रकार वार्ता में एल्डर्स कमेटी के वरिष्ठ सदस्य रघुवीर शरण वाजपेयी सदस्य दामोदर दास अग्रवाल समेत आदि लोग उपस्थित रहे। झांसी से धीरज शिवहरे की रिपोर्ट। देखिएगा ये हम लोगों का जो चुनाव निर्वाचन है वर्ष 2023-24 का, उसमें हमारे जो एल्डर कमेटी के चेयरमैन माननीय प्रकाश नारायण द्विवेदी जी, हमारे एल्डर कमेटी के वरिष्ठ सदस्य श्री रघुवीर शरण वाजपेयी जी, हमारे एल्डर कमेटी के सदस्य श्री दामोदर दास अग्रवाल जी, हमारे एल्डर कमेटी के सदस्य श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी, हमारे एल्डर कमेटी के सामान्य सदस्य श्री जगदीश प्रसाद लिखधारी जी के निर्देशानुसार मैं एल्डर कमेटी का प्रतिनिधि विवेक वाजपेयी, एक हम लोगों की एल्डर कमेटी भी जो यहीं उपस्थित है, हमारे साथ राकेश टंडन एडवोकेट, OP यादव एडवोकेट, KE श्याम सिंह एडवोकेट, सत्ता यादव एडवोकेट, जय देवी साहू एडवोकेट, हमारे ऋतु हंस एडवोकेट और रश्मि यादव एडवोकेट, हमारे द्विवेदी जी के सन, ये सभी लोग यहाँ जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। इस आशय से ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है कि जो वर्ष 2023-24 का निर्वाचन हो वो एक स्वस्थ स्वच्छ और अच्छा निर्वाचन हो और समाज में ये मैसेज जाए कि वास्तव में जो अधिवक्ता का सम्मान पूर्व में रहा है और पूरा समाज करता है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है अधिवक्ता अकॉर्डिंग टू CRPC, तो उसका वही सम्मान रहना चाहिए और पूरे उत्तर प्रदेश में क्या देश में ये सब समाज जाना चाहिए। लोग करते क्या थे कि तमाम अभी कुछ दिनों से देखने को मिल रहा था हमारी एल्डर कमेटी को कि जब चुनाव होता था तो कुछ स्टॉल आदि भंडारे आदि करवाते थे, तो एल्डर कमेटी ने एक निर्वाचन प्रक्रिया के लिए एक नियमावली तैयार की और उस नियमावली में ये स्पष्ट किया कि कोई भी प्रत्याशी किसी भी मतदाता को प्रलोभन आदि नहीं देगा कचहरी परिसर में। इसके अलावा और भी नियम बनाए हैं उन्होंने, उसकी बाकायदा एल्डर कमेटी अपनी तरफ से एक वीडियोग्राफी कराएगी और ऐसा करते हुए पाए जाने के प्रत्याशियों के
खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी एल्डर कमेटी करेगी और उनके नामांकन भी रद्द किए जा सकते हैं। उनके विरुद्ध वार काउंसिल और उत्तर प्रदेश भी लिखा जाएगा अगर ऐसा पाया जाता है तो प्रत्याशियों की तरफ से। इसके अलावा एक एल्डर कमेटी के द्वारा विगत होता क्या था कि पिछले जो कार्डकारिणी जैसे चुन जाती थी और चुनने के बाद एक वर्ष का कार्यकाल हुआ उनका, अब उन्होंने 4 महीने किसी बहाने किसका है, 6 महीने किसी बहाने किसका है, जबकि हमारे संविधान में मॉडर्न बायलॉज में ये है सेक्शन 17 18 में कि कोई भी जो जिलाधिवक्ता संघ है वो एक वर्ष का कार्यकाल तक ही रहेगा।